नमस्कार, मैं सोहन राज और आप देख रहे हैं 24 इंडिया टीवी। चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बोरियो में चालक दिवस के मौके पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जहां बोरियो डाक बंगला परिसर में चालक दिवस के मौके पर जिला चालक संघ के अध्यक्ष हुसैन अंसारी की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहाँ इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि अजय हेमरूम ने चालक संघ के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, जिले भर के चालकों के हर संभव सुख दुख के साथ देने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जब भी जरूरत पड़े उन्हें याद कर सकते हैं। इसके साथ ही चालक संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन अंसारी ने कहा, ऑटो स्टैंड में ना ही शौचालय की सुविधा है और ना ही पानी की सुविधा, जिससे रहने वाले चालकों के साथ साथ आने जाने वाले राहगीरों के लिए भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, बहुत ऐसे गरीब ड्राइवर हैं जिनको सरकारी लाभ नहीं मिल पा रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, सरकारी जल कल्याणकारी योजनाओं। इस सभा के माध्यम से उन्होंने जिला प्रशासन को इस पर पहल करने की बात कही, जहां कहा, इसके साथ ही कई अन्य लोगों ने भी सभा को संबोधित किया। वहीं मौके पर विधायक प्रतिनिधि सामू बास्की, सलकू सोरेन, तारिक अजीज, अताउर रहमान, जिला चालक संघ के अध्यक्ष हुसैन अंसारी, चालक अनवर हुसैन, कारिम अंसारी, तोहिद अंसारी, गणेश ठाकुर, ओम प्रकाश शाह, लाडू भगत, दिनेश मरांडी, रामदयाल शाह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बोरियो से हमारे सहयोगी असद अजमल की रिपोर्ट। आप लोग को इस संगठन में जितने लोग जुड़े हुए हैं, कृपया करके आप लोग ड्राइवरी लाइसेंस बना लीजिए, और जो ड्राइवर अपना है तो उसका बात छोड़ दीजिए, जो ओनर का गाड़ी चलाते हैं उसको बोलिए कि इंश्योरेंस बनाइएगा तो गाड़ी मैं चलाऊंगा, अन्यथा नहीं चलाऊंगा। सब आप लोग इच्छुक है ड्राइवर? ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, जिला चालक संघ। मैं इसी बात पर खत्म करता हूं। आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतने इतने लोग जो हमारे पदाधिकारी यहां पहुंचे हैं, मुख्य अतिथि पहुंचे हैं, आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। ड्राइवर लोग को जो समझ में नहीं आएगा तो हम कैंप लगाकर हाईवे में बैठेंगे, सजेशन आकर के ले लीजिएगा और ड्राइविंग लाइसेंस कृपया बना लीजिएगा।